नेशनल के कंप्रेसर में एक पॉइंट ऊपर होता है और दो पॉइंट नीचे होते हैं। तो इस वीडियो में हम ये चेक करेंगे कि कौन सा हमारा कॉमन है, कौन सा रनिंग है और कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है। जबकि डेनफास के कंप्रेसर में दो पॉइंट ऊपर होते हैं और एक पॉइंट नीचे होता है। तो इसे भी बगैर मल्टीमीटर के चेक करेंगे कि कौन सा कॉमन, कौन सा रनिंग और कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इरफान और आप देख रहे हैं ग्लोबल टेक्निकल वर्क यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो जल्द आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेशनल के कंप्रेसर में एक पॉइंट ऊपर और दो पॉइंट नीचे हो गए और इसके बाद जो हमारा हाथ पर इसको एग्जाम्पल करेंगे कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग को, इस तरह हम इसकी तकून बना लेंगे। ये हमारा डेनफास पर दो पॉइंट ऊपर होंगे और एक पॉइंट नीचे होगा, तो इस तरह भी अपने हाथ पर हम ये तकून बना लेंगे। जैसे ये हमारा एग्जांपल के तौर पर कॉमन रनिंग स्टार्टिंग होगी, इसको उल्टा रखेंगे इस तरह तकून बना के कि एक पॉइंट नीचे हो और दो पॉइंट ऊपर, तो हमारा डेनफास का कॉमन रनिंग स्टार्टिंग फाइंड कर सकेंगे। और अगर उल्टा कर लें इसको तो हम इस तरह एक पॉइंट ऊपर और दो पॉइंट नीचे ये उंगली के, तो इस तरह हम नेशनल के कंप्रेसर की कॉमन रनिंग स्टार्टिंग चेक कर सकेंगे जी। इस तरह एग्जांपल के तौर पर हमारा एक डेनफास का कंप्रेसर है और एक नेशनल का। अब डेनफास के दो पॉइंट ऊपर हैं और एक नीचे, और जब नेशनल का कंप्रेसर है उसका एक पॉइंट ऊपर होता है और दो पॉइंट नीचे होते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर हमारा ये हाथ है जो इसके अंगूठा जो है इसको हम कॉमन फर्ज कर लेते हैं और फर्स्ट उंगली को हम रनिंग और सेकंड वाली को हम स्टार्टिंग, ये फ़र्ज करने के बाद हम पीछे जैसे वीडियो में मैंने बताया है इसको इस तरह से तकून बनाएं कि कॉमन अंगूठा नीचे हो और दो उंगली ऊपर हो, तो इस तरह ये हमारा कॉमन रनिंग स्टार्टिंग डेनफास का पता लग सकता है। और अपने हाथ को इस तरह से घुमाएं कि हमारा अंगूठा ऊपर की तरफ हो और हमारे दो फिंगर जो हैं वो नीचे की तरफ हों, तो इस तरह जैसे फ़र्ज किया हमने अंगूठा जो है हमारा तो वो कॉमन का है और फर्स्ट उंगली जो है हमारी रनिंग की और सेकंड स्टार्टिंग की, तो इस तरह तकून बने हुए जब कॉमन ऊपर चला जाएगा दो उंगली नीचे होंगी फिंगर्स, तो हमारी ऊपर कॉमन और राइट साइड में हमारी रनिंग हो गई और लेफ़्ट साइड में हमारी स्टार्टिंग हो गई। इस तरह हम नेशनल या डेनफास के कंप्रेसर की कॉमन रनिंग स्टार्टिंग बगैर मीटर के आसानी से चेक कर सकते हैं। बस एग्जांपल ये जो हम मैंने थंब दिया हुआ है इसके हिसाब से आप बना सकते हैं। ऊँटे को कॉमन फर्स्ट रनिंग और सेकंड स्टार्टिंग पॉइंट हमारा होगा। इस तरह किसी भी कंप्रेसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।